यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज से हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लेट्स सी कि कितने दिनों में कंप्लीट होते हैं। हम लोग जो है वो केमिस्ट्री को जो है वो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। मैटर क्या चीज़ होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये मैटर है। जैसे दिस इज़ द पेन, तो ये कोई ना कोई जगह लेगा, बुक जगह लेती है, सॉलिड जगह, कोई भी सॉलिड चीज़ जगह ले रही होती है, कोई भी लिक्विड हो वो जगह ले रही होती है, इसी तरह गैस भी जगह लेती है। हम उसको किसी कंटेनर में डालते हैं और अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि टू अ पॉइंट वो उससे आगे मूव नहीं करती। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ ना कि गैस कैसे स्पेस लेती है, कि अगर आप एक बैलून में फ़िल कर दोगे ना तो वो एक एरिया आपको नज़र आएगा कि ये गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इधर हम केमिस्ट्री जो होती है वो साइंस की एक सब ब्रांच है जिसमें हम लोग कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन के साथ डील कर रहे होते हैं। इसको मैंने जैसे याद किया था, मैंने इसको CPSR से याद किया था। C इस कॉम्पोजिशन, P इस प्रॉपर्टी, S इस स्ट्रक्चर और R इस रिएक्शन। और ये सारी चीज़ें किसकी हैं? मैटर की हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम लोग ब्रांचेस की तरफ भी चलते हैं और ब्रांचेस में सबसे पहली ब्रांच जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री को हम डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉम्पोजिशन एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम। अच्छा, अब इसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक तो कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होती है? कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। जैसे दिस इज़ अ बॉक्स, तो हम लोग कहेंगे कि ये बॉक्स वुड का बना हुआ है, तो इसकी कॉम्पोजिशन इज़ द वुड। अगर हम इस वुड के साथ कोई और चीज़ भी ऐड कर देते हैं, जैसे हम बहुत सी चीज़ों को बनाते हुए करते हैं ताकि हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, जैसे ग्लास बनता है तो ग्लास में बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं और फिर ग्लास की कॉम्पोजिशन होती है। जैसे गोल्ड होता है तो गोल्ड में भी जो 24 कैरेट का है वो प्योर होगा, फिर 22 कैरेट का होता है। तो इस तरीके से हम उसमें चीज़ों को मिक्स करके उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट क्या है या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो ये उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हम लोग, जैसे हमने ऊपर किया था कि CPSR, यहाँ पे अगर हम सिर्फ CP कर दें, कॉम्पोजिशन एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ख़त्म। ऊपर प्रॉपर्टीज़ था, यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की। अलॉन्ग विद द चेंजेस इज देम, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं। द प्रॉपर्टी सच अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। इस ब्रांच में हम लोग क्या क्या स्टडी कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग इसमें ये स्टडी कर रहे होते हैं कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर उसमें हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल किस तरीके से होती है, या हमारे पास क्या आ जाता है, बिहेवियर ऑफ द गैस। तो ये तीन चीज़ें ये हो गई, टेम्परेचर का अफेक्ट सॉलिड या लिक्विड के ऊपर क्या हो रहा है, रेडिएशन का अफेक्ट क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री को हम एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग CP से डील कर रहे होते हैं, कॉम्पोजिशन के साथ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर के साथ डील कर रहे होते हैं। और उसमें फिर हमने बताया था कि किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल आता है, बिहेवियर ऑफ गैसेज आता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री एक प्रॉपर टर्म बन जाती है, एक प्रॉपर ब्रांच बन जाती है। फिर आगे हमारे पास दोनों जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हैं, और इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कोवलेंट कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। कोवलेंट कंपाउंड के बारे में आई होप सो आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि हमारे पास अगर दो कार्बन एटम है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब ये कि एक इसका और दोनों के मिला के अब दो हो गया। ठीक है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं, जिसमें सम वट हम लोग कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कंपाउंड होंगे, बट इनिशियली हम लोग कहते हैं कि जस्ट दीज आर कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं।
अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो नेचर नेचुरली अगर करता है, ये ना एक बहुत लंबी थ्योरी थी और काफ़ी टाइम ये चलती रही कि लोग समझते थे कि ऑर्गेनिक है तो फिर सिर्फ नेचर में होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट चेंज होना शुरू हो गया और अब ऐसा है कि नहीं, हम लैब में भी इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज दैट आर नेचुरली एज वेल एज सिंथेसाइज, तो वही बात करें कि लैब में सिंथेसाइज हो सकते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होता है, जो बंदा स्टडी करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हम लोग कहते हैं कि वो फिर क्या कर सकता है कि वो डिटरमाइन करता है इसको। सच ऑफ दिस, इसमें पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और उसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि वो लैब में सिंथेसाइज होता है और इस तरह से हमने सारा बताया। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो सिंपल हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव हैं, और हाइड्रोकार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और उसके बाद हमने ये चीज़ डिस्कस की कि वो लैब में भी सिंथेसाइज हो सकता है और वो जो है वो हमारे पास नेचुरली भी हो सकता है। तो इसमें हमारे पास पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ जाती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑल एलिमेंट और उनके कंपाउंड आ जाते हैं, बट इनऑर्गेनिक है तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव नहीं आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जितने कंपाउंड हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें बस बताया हुआ कि सीमेंट हो गया, या क्रामिक्स हैं, मेटलर्जी वगैरह है। अब मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द ओर्स, तो ओर्स में और चीज़ें भी होती हैं, और बट आप क्या करते हो उसमें कि आप मेटलर्जी में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो ओर्स के साथ, ओर्स से। सॉरी, बाकी जो ब्रांचेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।